खून जांच लैब में गलत रिपोर्ट देने का आरोप लगाते हुए निलंबित महिला कांस्टेबल लीलावती ने जमकर उत्पात मचाया। चश्मदीद रवि वाल्मीकि के अनुसार महिला ने बलात्कार के झूठे मुकदमे और गाली गलौज करते हुए गोली से उड़ा देने की बात कर्मचारियों को कही। लैब में दो कंप्यूटर भी तोड़ दिए। लैब संचालक ने महिला कांस्टेबल लीलावती के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। थाना अधिकारी सतीश यादव ने बताया कि महिला कांस्टेबल लीलावती निलंबित है और सरकारी हथियार चलाने के मामले में और सहित अन्य कई आरोप हैं। वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई है। इससे पहले भी कोई मामले दर्ज हैं इसमें? लीलावती के खिलाफ पूर्व में भी थाने से राइफल चोरी का मामला पूर्व से भी दर्ज है, निलंबित है। उस मामले में जांच भी चल रही है और आज भी जो इसने घटना की है वो बिल्कुल गलत की है। दुकानदार इससे भयभीत है। राजस्थान में शुक्रवार को कोरोना के 748 नए केस मिले, जबकि दो मरीजों ने दम तोड़